हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूँ मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आप कनाडा में गए हो और क्यूबेक में गए हो, वहाँ पे पढ़ाई के बाद आपको वर्क परमिट लेनी है तो आपको नहीं मिलेगी, क्यों? चलिए हम डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। सो हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबेक के बारे में। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं, एवरी ईयर कनाडा पढ़ने जाते हैं, लेकिन एक जो नई अपडेट है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो सब्सिडीज़ वाली कॉलेज होती है, वो कॉलेजेस के अंदर अगर आपका एनरोलमेंट होता है और उसके बाद आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है तभी आपको वर्क परमिट मिलेगी। उससे पहले आपको, अगर जो खानगी कॉलेजेस जिसको बोलते हैं या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस बोलते हैं, जिसकी सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं होती है, वो कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिलता है, अगर आप वहाँ पढ़ने जाते हो, आफ्टर 2 ईयर, 1 ईयर और 3 ईयर, वॉट एवर आपके जो कोर्सेज होते हैं, वो ख़त्म होने के बाद आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगी। तो ये था सबसे पहला पॉइंट। इन 2017-18 इंडिया से जो भी स्टूडेंट गए थे, अप्रोक्सीमेटली 2600 स्टूडेंट क्यूबेक वाले प्लेस पे गए थे कनाडा के अंदर, और उसके बाद अभी तक का उनका जो रेशियो है स्टूडेंट को बाहर जाने का, 14,000 से 15,000 स्टूडेंट हो गए हैं। तो ये जो जितने भी स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट ने सब्सिडी बिना के कॉलेज इसमें एनरोल किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। और उसके लिए जो जो कॉलेज ने उसके ऊपर सब्सिडी के ऊपर फोकस नहीं किया है, तो बहुत सारी कॉलेज के मैनेजमेंट ने, एजुकेशन मैनेजमेंट ने उसके ऊपर फोकस किया था, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे, बहुत सारी कॉलेजेस बंद हो जाती है। आपको पता होगा लास्ट ईयर 3 कॉलेज बंद हो गई थी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को वापस अपने देश में आना पड़ा था, और उन वही कॉलेजेस ने उनको फ़ीस भी वापस नहीं दे रही थी। तो अभी तक वो बच्चे कॉलेजेस एजुकेशन में और एज वेल एज़ बहुत सारी जगह पर चक्कर काटते हैं पैसे के लिए, फिर भी उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो आपको, मेरा कहना वही है कि अगर आप कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो क्यूबेक वाले में, तो सबसे पहले चेक करो कि जो कॉलेज है वो सब्सिडी वाली है या नहीं है। जो भी आपके एजेंट है या फिर आप खुद रिसर्च करके जाते हो, तो आपको ये बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए, ताकि वहाँ जाने के बाद वर्क परमिट के टाइम पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए वो प्रॉब्लम्स ना आए, और आपको इजीली वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो आपको वर्क परमिट मिल जाए। अब 7 जून से जो भी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट में नए रूल्स अप्लाई किए हैं। देर आर 3 रूल्स। ये रूल्स ऐसे, सबसे पहला रूल्स ऐसा है, 1 सितंबर 2023 के बाद जो सब्सिडी के बिना की कॉलेजेस होती है, वो कोई भी स्टूडेंट को वर्क परमिट नहीं ऑफर कर पाएगी। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा है, जो भी स्टूडेंट 1 सितंबर 2023 के बाद ट्रेबास के पास पढ़ने के लिए जाते हैं या पढ़ने के लिए एनरोल कर रहे, एडमिशन ले रहे हैं, उनको भी नहीं मिलेगी वर्क परमिट। एंड थर्ड वन है, जो भी स्टूडेंट 31 अगस्त के अंदर ट्रेबास, जो भी उनके जो एरियाज़ है एजुकेशन एरिया, उसके अंदर अगर एनरोलमेंट करवाते हैं, राइट, तो उनको भी ये प्रोग्राम के लिए आगे जाके वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं कि अगर आप ये ट्रेबास वाले जो रीज़न है उसके अंदर एनरोल करते हो, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ बहुत सारी कॉलेजेस सब्सिडी के बिना है। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप कहीं पर भी कनाडा में एडमिशन लेते हो, ये तो हमने पूरा डिस्कस किया क्यूबेक के बारे में। सो फ्रेंड्स, क्यूबा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी कॉलेजेस सब्सिडीज़ वाली नहीं होती है। तो आपको यही ध्यान रखना है, जब भी एडमिशन लो, जिससे भी गाइडेंस लो, जहाँ से भी एडमिशन्स लो, मेक श्योर कि आप क्यूबा के अंदर सब्सिडी वाली कॉलेज में ही एडमिशन ले, ताकि आपको कभी भी ऐसा ना बोला जाए कि आपका एडुकेशन ख़त्म हो गया है, आपके जो भी आपका सामान है, जो भी बोरे बिस्तर है, आप लेके इंडिया चले जाओ, ऐसा ना हो। उसके लिए फ्रेंड्स, आप ध्यान रखो कॉलेज सिलेक्ट करने में, कोर्सेज सिलेक्ट करने में, फ़ीस पे करने में, और एजेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने में पूरा ध्यान रखना। सो आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।